हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। एक्सरसाइज 20 का एक पूरा हम लोग कंप्लीट किए थे। आइए आज शुरुआत करते हैं प्रश्नमाला 20 का बी और प्रश्न संख्या नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है हम लोग अनुपात एवं समानुपात में आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन आपको मिश्रण में बता देंगे। आप लोग देखिएगा कैसा क्वेश्चन आपको मिश्रण क्या कहते हैं रेशियो में मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। बाजार में दो टाइप के स्टील ए और बी उपलब्ध है, ठीक है। टाइप ए में 5% निकल है, टाइप ए में 5% क्या है निकल है, और टाइप बी में 40% निकल है, ठीक है। फिर दोनों प्रकार के स्टील का कितनी कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि कुल 140 टिन स्टील प्राप्त होना चाहिए और उसमें 30% निकल हो, मतलब कि दोनों का औसतन प्रतिशत मात्रा 30% है। कितना है फिर? 30% निकल होना चाहिए। दोनों को मिलाने से जब बनेगा तीसरा मिश्र धातु तो उसमें का 30% निकल होना चाहिए। इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखते हैं 25%, और इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे 10%। तो परसेंटेज परसेंटेज कॉमन होगा, दोनों कट जाएगा। 2 5 10, 5 25, यानी कि 2:5 के अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाएगा, ठीक है। फिर तो टोटल मात्रा अनुपात में 7, लेकिन संख्या में टोटल मात्रा का 140 टन, 140 टन, 7 से कटेगा, 20 सते 40, अनुपात 1:20। जब इस 20 इसमें गुना कीजिएगा तो 20 × 40 और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा फिर? 20 × 25 100, यानी कि 40 टन और 100 टन टोटल आंसर होगा। ये दोनों अलग अलग, तो दोनों प्रकार के स्टील की मात्रा जो हम लेंगे, एक लेंगे 40 टन और एक लेंगे 100 टन, आंसर हो गया। लिख लीजिए क्वेश्चन को, पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात दिया गया है 1 2 3 के अनुपात में। 3 गिलास है, ठीक है। तीनों गिलास के धारिता का अनुपात 1:2:3, धारिता समझ रहे आप? आयतन, और आयतन का मतलब होता है उसमें कितना मात्रा अट रहा है। इनमें एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरा हुआ है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण इसमें भरा हुआ है, अल्कोहल और वाटर। तो कहा गया है कि पहला दूसरा और तीसरा गिलास में, पहला गिलास में 1:5 है, दूसरा गिलास में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:5 है, और तीसरा गिलास में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:7 है। का इन तीनों गिलासों के मिश्रणों को, इन तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि तीनों को हम एक अलग बर्तन में क्या करेंगे? डाल देंगे। तो तीनों को जब हम एक अलग बर्तन में डालेंगे तो वहां पर का अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से जानना चाहते हैं कि जब हम तीनों को मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा टोटल कितना होगा। लिखेंगे ए की कुल मात्रा, ए की मात्रा है कितना? 1 भाग। टोटल कितना भाग? 5 1 6 भाग में। और इस आयतन से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे। यहाँ अल्कोहल है 3 भाग, टोटल 8 भाग में, 5 3 8 भाग में, इस 2 से गुना करेंगे। यहाँ अल्कोहल है 5 भाग, टोटल 7 5 12 भाग में, इस 3 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर
और इसको हल कर लेते हैं। 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 12। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 15 2 17 9 26, 26/12, ठीक है। फिर ये हो गया टोटल अल्कोहल की मात्रा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं किसकी मात्रा, वाटर की मात्रा टोटल कितना होगा, तो लिखेंगे W की कुल मात्रा। W की कुल मात्रा कितना होगा, गौर कीजिएगा, यहां है 5 भाग पानी, टोटल कितना भाग में, 6 भाग में, और इस धारिता से हम बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करेंगे 1 से। यहाँ 5 भाग है पानी, टोटल 8 भाग में, तो इस 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 7 भाग है पानी, टोटल 12 भाग में, 7 5 12, और इस 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3 चौका 12, 2 चौका 8, तो 5/6 प्लस 5/4 प्लस 7/4, तो एलसीएम हो जाएगा 12। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 7 तिया 21, जोड़ देंगे 5 1 6 2 1 3 1 4, 42 आ जाएगा। तो ये रेशियो हो गया ए का 26/12 और W का 46/12। जब इसको मिला देंगे तो अनुपात बन जाएगा कितना, ए अनुपात W का, ए है टोटल 26/12 और W है टोटल 46/12, 12 12 कट जाएगा, 13 दूना 26, 23 दूना 46, यानी 13:23, यही हो जाएगा आंसर। चेक कर लीजिए आंसर, 2 का 29:43 मिला है, कहीं हम लोग लगता है मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं हम कोई डाउट है कहीं भी, चेक कर लीजिए फिर से। ए की मात्रा 1 भाग, टोटल 6 भाग में, 3 भाग है टोटल 8 भाग में, 5 भाग है टोटल 12 भाग में, तो यहां से 3 चौका 12, 2 चौका 8, 5/4, 3/4, 1/6, 6 4, 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 9 24 2 26, 13 दूना 26, आंसर नहीं मिला है इसका, बुक का आंसर मिस्टेक है, बुक में ठीक कर लीजिएगा, ये सही आंसर होगा 13:23। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज का है, ये प्रतिशत में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर देते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज में भी पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, नमक व पानी के घोल में 15% नमक है, इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को बाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है, प्रारंभिक दशा में घोल कितना था। शुरू में कहा घोल कितना है, हम मान लेते हैं घोल की मात्रा एक्स लीटर, कितना मान लेते हैं, एक्स केजी मान लेते हैं, क्योंकि केजी में दिया गया, तब मान लेते हैं कि कितना है, एक्स केजी है, ठीक है। कहा कि 15% नमक है इसमें,
एक्स केजी में कितना परसेंट नमक है? 15%। तो सोचिए कि जब 15% नमक है तो शेष उधर बचेगा 85%। कितना बचेगा? 85%, क्योंकि 100% कुल दर्शाता है। 100% में से 15% नमक है तो शेष 85% क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर की मात्रा होगा इतना, यानी टोटल जितना घोल है उसका 85% पानी होगा, तो पानी की मात्रा इतना होगा। कोई डाउट समझने में? का 30 किलोग्राम पानी को उड़ा दिए हैं वाष्प के रूप में, टोटल पानी की मात्रा इतना में से 30 किलो पानी के साथ वापस उड़ गया वाष्प के रूप में। तो कहा शेष घोल में 20% नमक है। शेष घोल, टोटल घोल की मात्रा है एक्स केजी, इसमें से 30 केजी उड़ गया वाष्प, तो शेष घोल बचेगा इतना। अब इसमें कहा कि 20% नमक है, इतना घोल में जब 20% नमक है तो 80% क्या होगा? पानी होगा। यानी कि ये दर्शाता है शेष घोल में पानी की मात्रा, क्या दर्शाता है? शेष घोल में पानी की मात्रा, और ये भी दर्शाता है शेष पानी की मात्रा। दोनों सेम चीज है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये इसके साथ गुना, इसके साथ गुना होगा तो सी एक्स धरा के घटेगा 5x/100। ठीक है, ये -30 उधर जाएगा तो +30, 0 0 2 कट जाएगा, 8 3 24 -24, 5x/100 ये हो गया 6, 20 25 100, एक्स बराबर 20 6 120 केजी हो गया टोटल घोल की मात्रा। कोई डाउट समझने में? लिख लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज में भी पढ़ने वाले हैं, तत्काल समझने के लिए हम लोग बना दिए हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग परसेंटेज में इसको बढ़िया से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चौथा। एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है, इसमें से 2 लीटर घोल को निकाल करके उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता बताइए क्या होगा? 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20%, 5 लीटर घोल है, इसमें 20% क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल की मात्रा इतना होगा। 2 लीटर घोल जो निकाले हैं उसमें भी अल्कोहल होगा कितना? 20%। टोटल अल्कोहल की मात्रा इतना में से इतना अल्कोहल निकल गया, इतना निकल गया तो शेष अल्कोहल बचा इतना, यानी ये दर्शाता है शेष अल्कोहल की मात्रा। ये क्या दर्शाता है? शेष अल्कोहल। ठीक है, और शेष अल्कोहल की मात्रा इतना बचा टोटल कितना मिश्रण में? 2 लीटर जो निकाले थे और 2 लीटर फिर क्या कि पानी डाल दिए, तो 5 लीटर में से 2 लीटर निकाल करके फिर हम 2 लीटर डाल दे तो 5 लीटर घोल रहा टोटल, ये हो गया टोटल घोल की मात्रा 5 लीटर, यानी शेष घोल इतना बचा टोटल 5 लीटर में, तो 100 में कितना होगा? तो यही दर्शाता है प्रतिशत मात्रा शेष घोल का। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज यहां पर है, बट्टा में आएगा तो 100 नीचे में आ जाएगा, तो ये परसेंटेज से 100 कैंसिल हो जाएगा। 20 25 100, 20 2 40 बट्टा में 5, तो ये घटेगा तो 60 बट्टा 5, 12%। यानी कि नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितना होगा? 12%। यानी कि नया घोल जो है उसमें 12% क्या है? अल्कोहल की मात्रा है। कोई डाउट नहीं समझने में? चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर जहां भी दिक्कत हो समझने में उसको फिर से हमेशा देखने का कोशिश कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पांचवा। एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है, इनमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, तो उस बर्तन में घोल की मात्रा कितना थी? घोल की मात्रा कितना है हमें ये पूछा जा रहा है। मान लेते हैं घोल की मात्रा कितना है? x लीटर।
कितना है एक्स लीटर, तो कहा कि अम्ल की सांद्रता 36% है। अम्ल की सांद्रता कितना है एक्स लीटर, टोटल घोल है इसमें 36% अम्ल है, तो अम्ल की मात्रा टोटल इतना, ठीक है। 4 लीटर जो घोल निकाले हैं उसमें भी अम्ल होगा, तो 4 लीटर घोल निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया, 4 लीटर जो घोल निकाले उसमें भी अम्ल होगा 36%, तो टोटल इतना अम्ल में से इतना तो निकल गया, इतना निकल गया तो शेष बचा इतना, टोटल कितना घोल में एक्स में, तो 100 में कितना इतना, तो ये दर्शाता है शेष अम्ल की मात्रा, शेष अम्ल की मात्रा परसेंटेज में, ये क्या दर्शाता है शेष अम्ल की मात्रा प्रतिशत में। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेष अम्ल की मात्रा प्रतिशत में कितना है 30% है, 30%, प्रतिशत यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे 100% दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हल करना होगा। देखिए हम हल कर लेते हैं कैसे, 100 100 कोमा आएगा तो यहाँ से कट जाएगा और ये 30x हो जाएगा, ठीक है। 36x ये हो गया 144 और ये हो गया 30x, इधर आके घटेगा 6x बराबर 144, 6 से 6 दुना 12, 6 चौका 24, x बराबर 24 लीटर, टोटल घोल की मात्रा कितना है प्रारंभ में 24 लीटर है, कोई डाउट मिला लीजिए आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन छठा पढ़िएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:3 है, और दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 है, का दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए, किन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 42:23 हो जाए, मतलब कि दोनों को जब मिलाएंगे तो तीसरा जो मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 42:23 हो जाना चाहिए। कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से दो क्रॉस ले लेंगे, यहाँ मिल्क है 7 भाग टोटल 10 भाग में, यहाँ मिल्क है 8 भाग टोटल 8 5 13 भाग में, तो यहाँ भी लेना है 42 भाग है टोटल कितना भाग में 65 भाग में, जोड़िएगा तो 65 होगा, तो ये भी मिल्क की मात्रा है, ये भी मिल्क की मात्रा है और ये भी मिल्क की मात्रा है, हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ जब भी लेंगे तीनों सेम चीज लेंगे, यहाँ मिल्क है तो यहाँ भी मिल्क है, यहाँ भी मिल्क है, अगर वाटर लेते तो यहाँ भी वाटर लेते, यहाँ भी वाटर लेते, यहाँ भी वाटर लेते, तीनों सेम चीज लेते, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 7/10 माइनस 42/65, अब इन दोनों का अंतर यहां पर लिखेंगे 42/65 माइनस 8/13, हमेशा 12 में से छोटा घटाना है, अगर उल्टा घटा दीजिएगा माइनस में आएगा तो माइनस को आप कंसिडर नहीं करना है आपको, ठीक है। 13 5 65, 8 5 40, 42 में 40 घट जाएगा 2/65 होगा, ये कितना होगा 130 सेल्सियम आएगा, 13 7 91, 65 दूना 2 2 4, 4 2 8, 65 दूना 2 2 4, और ये घटेगा तो कितना होगा 7 7 4:7 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, अर्थात पहला प्रकार के मिश्रण से अगर हम 4 kg लेंगे तो दूसरा प्रकार के मिश्रण से कितना लेना पड़ेगा 7 kg लेना पड़ेगा। चलिए आंसर मिल गया है, लिख लीजिए
आते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन में। सातवां प्रश्न है कि दो बर्तनों ए तथा बी में रखे घोलों में स्प्रिट ए है और बी है, स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है ये 5:2, और यहाँ पे स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है ये है 7:6। एक नया बर्तन सी है उसमें का ए और बी जो घोल की मात्रा, सॉरी एस और डब्ल्यू यानी स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो होगा वो का 8:5 के अनुपात में होना चाहिए, तो दोनों की मात्रा कितना कितना लें, यानी ए और बी को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि तीसरा जो मिश्रण बनेगा वो 8:5 के अनुपात में होगा। सेम टू सेम पिछले पैटर्न पर आधारित है। इस प्रकार से दो क्रॉस ले लीजिए, यहाँ स्प्रिट लीजिए चाहे वाटर, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से वाटर लेना चाहते हैं तो वाटर है कितना, 2 भाग टोटल 7 भाग में, यहाँ वाटर है 6 भाग टोटल 7 × 6 = 13 भाग में, और यहाँ वाटर है कितना, 5 भाग टोटल 13 भाग में। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 2/7 5/13, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 6/13 बट्टा 5/13, यहाँ से रेशियो बनेगा सेम 6 में से 5 घटेगा 1/13, यहाँ 13 × 26 7 × 5 = 35, 26 और 35 9/13 × 7 13 कटेगा 7:9 7 × 7 = 9, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ माइनस आ रहा था, माइनस को हम निगलेक्ट करके चलेंगे, तो 7:9 के अनुपात में मिलाना होगा। चलिए आंसर मिल गया 7 का, लिख लीजिए। और 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लंबा थोड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन का कोई खास मायने नहीं रहता है। आइए, क्वेश्चन है कि 3 बर्तनों में पानी भरा है, 3 बर्तनों में पानी भरा हुआ है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, शेष तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितना थी। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, चलते हैं पहले 9 नंबर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देख लेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश ने 120,000 में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, देखिए टोटल धन है 120 पे 1, 2, 3, 0, और इसमें से कुछ धन जो है ए को दे दिया कितना, 10% वार्षिक पर, ए को दिया 10% वार्षिक पर और बी को दिया 12% वार्षिक पर। ठीक है, दोनों से जो ब्याज मिला था वो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 25,920, 2 वर्ष का ब्याज है 25,920, तो उसे भिन्न भिन्न दरों पर कितना कितना रुपया उधार दिया था, दोनों का अलग अलग हमें निकालना है। देखिए यहाँ रेट है ये चीज, और ये भी क्या है, रेट है, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा, दर के बारे में देना होगा। बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी, यहाँ रेट है, यहाँ रेट है, तो यहाँ भी औसतन रेट होना चाहिए, दोनों का औसतन रेट यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम निकालते हैं औसतन रेट। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 2 वर्ष का ब्याज है इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसी का प्रतिशत रूप क्या कहलाता है, दर कहलाता है, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा इतना, निकाल लीजिए
ये दर्शाता है 2 वर्ष का, तो यहां लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज, तो 12 दुनी 24, शेष बचेगा 1, 9 दुनी 18, शेष बचेगा 1, 6 दुनी 12, ये हो गया 1 साल का ब्याज। तो ये जो 1 साल का ब्याज है इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना मूलधन दिया हुआ है उसके 1% से डिवाइड कर दीजिए। 12 पर 1, 2, 3, 4 जीरो है, इसका 1% होगा इतना, और डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज में अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिएगा 12 दहे 120, 12 कम 12, 12 8 96, तो 10.8% होगा रेट। ये अगर हम दर में बदल दिए तो कितना आ गया, 10.8, यहाँ पर लिख देंगे 10.8। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे 0.8, अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, 12 में से घटेगा, लिख देते हैं 12 घटा 0 10.8, तो ये 10 में 60 घटेगा 2, यहाँ बच गया 1.2 और 0.8, 10 में हटा देंगे, ये हो गया 3 चौका 12, 2 चौका 8, 3:2, ये दर्शाता है मूलधन का रेशियो। ये किसका रेशियो होगा, मूलधन का, तो टोटल मूलधन अनुपात में 3:2:5, लेकिन टोटल मूलधन संख्या में है इतना, 5 से 24 25 120, 24,000 हो गया, अनुपात 1 बराबर इतना। और जब इसको अलग अलग गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 3 गुने 24, 24 72,000, और 24 दुना 48,000 हो जाएगा टोटल। ये अलग अलग ब्याज, सॉरी अलग अलग मूलधन हमें मालूम हो गया, 8-10% के रेट पे इतना लगाएगा और 12% के रेट पे इतना लगाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बोल चुके हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यापारी 6 क्विंटल चीनी है, ठीक है, टोटल चीनी कितना है, 6 क्विंटल, और इसमें से कुछ चीनी को 7% लाभ पर और कुछ चीनी को 17% लाभ पर बेचती है, तो टोटल 11% लाभ होता है, ये भी लाभ, ये भी लाभ और ये भी लाभ है। अब इन दोनों का अंतर यहां पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पे 3 दुनी 6 2 दुनी 4, अर्थात 7% के रेट पर अगर 3 क्विंटल बेचेगा तो 17% के रेट पे 2 क्विंटल, टोटल मात्रा अनुपात में 5 लेकिन संख्या में 6, अनुपात 1:6/5। जब इसे अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग हिस्सा मालूम होगा, तो हमको पूछ रहा है कि 7% के रेट पे कितना चीनी बेचेगा, तो 3 गुने 6/5, 6 तिया 18/5, 5 तिया 15, शेष बचेगा 3, 5 36, तो 3.6 क्विंटल आंसर हो गया। कोई डाउट समझने में, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, इसके बाद हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय किया, इसमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का जो औसतन चाल होगा यहां पर हम लिखेंगे, तो औसतन चाल कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल दूरी है 188 किलोमीटर, ठीक है,
टोटल दूरी बटा टोटल टाइम लगता है 10 घंटा, तो औसतन क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड, तो 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख देते हैं, 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा ये भी चाल है, ये भी चाल है, यहाँ भी क्या है, चाल है। तो हम जान चुके हैं कि तीनों जो भी देगा वो हमेशा सेम चीज, ये चाल है, चाल है, तो यहाँ भी चाल। अब क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस आप लिख देते हैं, घटा दीजिए, 18.8 में से 8 घटेगा, 35 में से 18 घटा दीजिए, 18.8, ये कितना होगा, 8, ये होगा 10 में से 8 घटेगा 2, यह बच गया 4, 14 में से 8 घटेगा 6, यह बचेगा 3 में से घटेगा 2, सॉरी दशमलव आएगा, दशमलव घटेगा तो इतना काटिए, कितना बार कटता है, 5 दुनी 10, 4 दुनी 8, 13 दुनी 26, 2 एकम 3 दुनी 6, 2 एकम 16.2 ही होगा, 16.4 दुनी 8, 5 दुनी 10, 2 एकम 8 दुना 16, तो 6 नवा 54, 9 नवा 81, 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो 3 अनुपात 2 के अनुपात में आएगा। तो यहाँ देखिएगा टोटल दूरी है कितना, टोटल दूरी अनुपात में 5, लेकिन संख्या में टोटल दूरी 188, ये दर्शाता है दूरी का अनुपात। हमेशा ध्यान रखना ये किसका अनुपात होगा, दूरी का, जब यहाँ चाल का बात हुआ तो यहाँ दूरी का अनुपात, तो अनुपात 1 बराबर 188/5, इससे इसमें गुना कर दीजिए, हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 75.2 किलोमीटर आंसर। तो इस प्रकार से ये पाठ हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरह से, बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये 8 नंबर है इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसलिए इसको नहीं बनाना है, एक क्वेश्चन छोड़ भी दीजिएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी आप क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा आपका मिशन का काम कम्प्लीट हो गया है। जहाँ भी डाउट रह जाएगा आपको कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम क्या करेंगे अगले क्लास में उसको डील कर देंगे। तो रिविजन कीजिए आप लोग, तब तक क्लास यही क्लास रखते हैं, बाय।